हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो? ठीक ठाक। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि अगर आप बूश रोटर सब कुछ चेंज करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। समस्या का समाधान क्या है कि वैसे तो फ्री चलता है, ये घूमता है, लेकिन जैसे ही लाइन देते हैं जाम हो जाता है। अगर इस समस्या से आप परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप बूश बदल देते हैं लेकिन बूश में फॉल्ट नहीं होता है। ये देखिए, इसमें जो आपको काला दिख रहा है ये मोबिल है, तेल डाला हुआ है, इसको हम सफाई कर लेंगे। कोई भी तेल हम इसमें आज नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तेल होता क्या है कि कुछ दिन तो फ्री चलता है लेकिन बाद में ये फेविकोल के जैसा चिपकने लगता है। इसका जो बूश में भी तेल है उसको भी हम निकाल लेंगे। इसका बूश चेंज तभी करना चाहिए जब अगर घिस गया हो, प्ले कर रहा हो तब। ऐसे आप बूश चेंज करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। बूश खराब हो तभी चेंज करें, और अगर जाम का समस्या हो जाता है तो बूश चेंज करने से। देखिए, इसका जो बूश है इसमें कोई ना बूश में तेल डालेंगे, रोटर में कहीं कोई तेल नहीं डालेंगे और चलाएंगे और ये चलेगा। तेल क्या होता क्या है, कुछ दिन चलने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से इसका इसमें जो भी तेल का अंश है सब एकदम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। ये सब हटा हटा के देखिए बिल्कुल क्लीन कर देंगे और कोई तेल इसमें हम नहीं डालेंगे। ये बाद में तेल जो है फेविकोल के जैसा चिपकने लगता है और जाम हो जाता है। कि इसके अंदर इस तरह से कपड़ा डाल के और हम बिल्कुल ऑयल को सुखा दे रहे हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री। इसका कहीं भी ऑयल का जरा सा भी हमें ये रखना नहीं है। तो ये बैक साइड का बॉडी, इसके बाद ये जो है इसे भी हल्का घिस लेना है। घिसने के लिए इस टाइप का जो पेपर आता है इस पर आप घिस सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो इसका भी, इसको ड्रिल में टाइट करके भी आप इसे घिस सकते हैं। तो हम इसी पे घिस लिए हैं इसको, इसलिए हम इसे फिट करेंगे। और ये इसका पीछे में वाशर लगा हुआ था। और एक और प्रॉब्लम्स देखिए यहाँ पे खड़ा हो रहा है, ये जो नट आ रहा है उस तरफ से कॉइल में फंस रहा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फंस रहा है। अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो ये सीधा कॉइल को काट देगा। तो इसके लिए क्या करना है, लकड़ी के हथौड़ी से इसे हल्का हम हीट कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए आसानी से ये आ गया। और टाइट करने से पहले हमें चारों नट को लगाकर देख लेंगे कि कहीं से कॉइल में फंस तो नहीं रहा है। अगर टच करेगा तो करंट आने का, करंट लीकेज होने का डर है, इसलिए टच करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। इस बात का ख्याल रखें। तो इस तरह से इसको दो पेच को पहले टाइट कर लेंगे, इसके बाद इसका जो रोटर है उसको हल्का ठोक ठाक करके हीट करके जैसे भी हो बिल्कुल फ्री कर लेना है।
ये देखिए ये बिल्कुल फ्री हो गया है। और अब इसका चारों पेच को हम प्रॉपर टाइट कर लेंगे ऐसे। अब ये जाम होने का इसमें कोई कारण नहीं बचा है। अब ये जितना चलेगा फ्री, इतना फ्री अभी चलते ही रहेगा, इसको जाम होने का कोई कारण बचा नहीं है। देखिए एक बार अगर हम ऐसे हाथ से नचा देते हैं, कितना चक्कर ये देखिए घूम जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। इसको चलाकर देखेंगे, सप्लाई का कनेक्शन एक रेड ये सॉरी एक ब्लैक ये एक येलो मेन और एक ब्लैक और येलो कैपेसिटर। अब जो ये हमारा येलो वायर जो निकाला हुआ है, येलो जो है स्टार्टिंग है और ब्लैक जो है वायर ये रनिंग है। तो हमें दोनों सप्लाई जो है ब्लैक पे देना है। और ब्लैक पे ही देने के बाद देखिए ये सही चल रहा है, उल्टा नहीं है। ये टेबल पे रखा हुआ इसलिए आवाज कर रहा है ये। इसको इसके नीचे हम एक कपड़ा रख लेंगे। ये चल रहा है, जो हल्का आवाज आ रहा है इसका कारण क्या है कि जो क्वाइल जो इसमें डाला है नया, ये क्वाइल का जो पेपर होता है इस तरह का ये पेपर, ये कहीं फंस रहा है, वो से निकाल कर ठीक किया जा सकता है या फिर ये चलते चलते अपने आप ही जब घिस जाएगा पेपर तो ठीक हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल फ्री है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम अब नहीं है और नहीं कभी होगा, क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम होने का कोई चांस ही नहीं है। ऑयल जो है कुछ देर चलने के बाद क्या होता है, फेवी की कोल के जैसा चिपकने लगता है। और ये जब चलेगा तो हल्का फुल्का जो इस भी इसमें अभी जमा हुआ है ऑयल का कण वो घिस जाएगा, तो ये बिल्कुल फ्री चलेगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको नहीं चलता है ऑयल, अगर आप डालना चाहते हो तो इसमें आप हाइड्रोलिक ऑयल डालें जो बिल्कुल सफ़ेद होता है, वो कितना भी गर्म होने के बाद चलने के बाद वो फेविक की के जैसा चिपकेगा नहीं, सटेगा नहीं। और इसका जो करंट वगैरह लीकेज है वो देख लेना जरूरी है। देखिए लीकेज नहीं है इसका करंट, ये मेन और ये येलो पर चल रहा है और यहाँ पे देखिए कोई करंट लीकेज नहीं है। करंट जो है लीकेज चेक कर लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये उल्टा चल रहा है येलो पे, ब्लैक पे ही हमारा सही हो गया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।